इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बहुत ही संजीदा मौजू, मईशत जिस कदर जमीन में दस्ती जा रही है, एक बार फिर वर्ल्ड बैंक ने यह ऐलान किया है कि भारत यानी कि एशिया में सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क होगा और गरीबी की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? जिस तरह किसी जंग के जीतने का सेहरा उस फौज के सिपहसालार को पहनाया जाता है, उसी तरह से हारने का भी जिम्मेदार उसी सिपहसालार को ठहराया जाता है। लिहाजा भारत में रुनुमा होने वाली अच्छी या बुरी बात को वजीर आजम को ही जिम्मेदार ठहराना चाहिए। पर अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसी वारदातों को मोदी को जिम्मेदार ठहराकर उनके गुण गाए जाते हैं, जय जयकार किया जाता है। और जब अर्थव्यवस्था मईशत जमीन में धस जाती है तो नेहरू गांधी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। खैर, एक बार फिर मामला भारत की मईशत पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि आलमी बैंक यानी वर्ल्ड बैंक और बैनुल अक्वामी मालियाती फंड ने इशारा दिया कि अगर कोई मुल्क बेहतर मईशत का इत्मीनान दिला रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसके आगे और भी हालात खराब होने वाले। कहा यह जा रहा है कि 1930 की महामंदी के बाद सबसे गहरी मंदी आने वाली है। अब जबकि भारत में महामंदी आने के इम्कान पर कई मईशत के माहिरीन ने अपनी राय दी है, जिसमें मोदी हुकूमत की गलत पॉलिसियों का भी जिक्र बताया जा रहा है। दूसरी तरफ मोदी हुकूमत हालात पर काबू होने की बात करते हुए बेहतर मईशत का भरोसा दिला रही है। वैसे देखा जाए तो भारत से कई गुना ज्यादा बेहतर मईशत बांग्लादेश की हो चुकी है। कारोबार, फैक्ट्रियां, तिजारतों में दिन ब दिन बेहतर हालात बांग्लादेश के हो रहे हैं और इसका इल्म सभी को है, पर हमेशा अपनी गलती को किसी न किसी के सर मारने की आदत मोदी हुकूमत को है। लिहाजा आज की बदहाली को मोदी हुकूमत कोरोना आलमी वबा को जिम्मेदार ठहरा रही है और अपनी जिम्मेदारी से किनारा कशी। कोरोना आलमी वबा क्या सिर्फ भारत में ही नहीं आई थी? लिहाजा दुनिया के कई मुल्क हैं जो आज भी बेहतर हालात में है, पर क्या बात है कि सिर्फ भारत के ही हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और अब जहां कोरोना आलमी वबा का असर कम होता जा रहा है तो भारत में महामंदी आने की बात कही जा रही है। आलमी बैंक अगर भारत जैसे मुल्कों के लिए तबाह कन वाकिया के तौर पर बता रही है तो इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन? क्यों ना हम इस तबाही के लिए मोदी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया जाए? क्या मोदी हुकूमत इस तबाह कन वाकिये से बचने के लिए कुछ मंसूबाबंदी कर रही है, या फिर भारत के जज्बाती अवाम को मजहबी तशद्दुद का खिलौना देकर खूनी तमाशे के आड़ में अपनी नाकामी को छिपाने की कोशिश करेगी? कोरोना और लॉकडाउन के बाद अब कारोबार कुछ हरकत कर रहे हैं, पर कारोबार पहले वाली रफ्तार कायम करने में और कितना वक्त लगेगा पता नहीं। और जैसे वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत की मौजूदा मईशत पर माहिरीन का कहना भारत की आवाम के लिए खौफ जदा करने वाले हालात है। वर्ल्ड बैंक भारत जैसे मुल्कों को कर्ज तो दे रही है, पर क्या यह कर्ज किसी गुलामी की तरफ तो नहीं ले जा रही? आज सिर्फ बेलगाम शहर की बात की जाए तो कई कारखाने बंद है। सबसे भीड़ भाड़ और मरकजी बाजार कहने वाले खड़े बाजार में कई दुकानों को ताजिरों ने खाली किया हुआ। गांव से आने वाले ग्राहक अब तक बाजारों में दाखिल नहीं हो रहे। रविवार पेट में बाहरी गांव से आने वाले ग्राहक ना के बराबर है। दुकान खाली होने के बाद दूसरा किराएदार नहीं मिल रहा। कहीं कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस तैयार तो है पर ग्राहक नहीं है। दूसरे ममालिकों में काम करने वाले मुलाजमीन की कमी से मुलाजमीन बेरोजगार बनकर भारत लौट रहे हैं। भारत की तारीख में ऐसी बेरोजगारी पहले कभी नहीं देखी थी, ऐसा इल्मी दानिशों का कहना है। IMF का कहना है कि भारत की मईशत और 10% से भी ज्यादा गिर सकती है। 2021 में भारत की फी शख्स यानी हर शख्स की GDP गिरकर $1,877 पर पहुंच जाएगी, जबकि बांग्लादेश की फी शख्स GDP में बढ़ोतरी होगी और वो $1,888 तक पहुंच जाएगी। IMF के मुताबिक एशिया में भारत की ही मईशत बुरी तरह से मुतासिर होने जा रही है। अब जब भारत की ही मईशत मुतासिर हो रही है तो क्या भारत की मोदी सरकार आवाम को जवाब दे नहीं है? समझ में नहीं आता कि आज भी चुनाव में भाजपा की जीत के दावे गोदी मीडिया किस बुनियाद पर कर रही है? आखिर आवाम के सामने क्या मुंह लेकर जाएगी? हुकूमत और आवाम भी आखिर किस बुनियाद पर वोट देगी? जो भी हुकूमत हो, भले भाजपा या कांग्रेस, पर इस तरह से देश की मईशत को बर्बाद कर कारोबार बंद करके ताजिरों को भीख मांगने पर मजबूर कर क्या प्रधानमंत्री मोदी का वादा
भारत को विश्वगुरु बनाने का सच हो सकता है? इस सवाल का जवाब तो अंधभक्ति दे सकते हैं, जो हमेशा नेहरू गांधी को ही जिम्मेदार ठहराकर मोदी की हिमायत में मोदी है तो मुमकिन का नारा लगाते रहते। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।